कैसे हैं आप लोग? आ गए फिर से शॉर्टकट मारने के लिए? अरे कैसे इंजीनियर हो, थोड़ी तो मेहनत खुद करके पढ़ लिया करो कभी किताब में से, कि जब देखो तब यूट्यूब पे वीडियो देखने आ जाते हो। तो चलो भैया, इस बार जो फालतू सड़ाऊ पकाऊ टॉपिक या फिर आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट की जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है भाई कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। और ये उसका पहला लेक्चर या फिर आप बोल सकते पहले चैप्टर का पोर्शन है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से पूरी तरह से दिमाग में घुसड़ के बिठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान की गंगा। और ईयरफोन पेन लेना, पेन लिए? बड़े पढ़ाकू हो रहे हो। तो भैया हर बार की तरह अब तो आदत सी पड़ चुकी है कि इसके बिना मजा नहीं आता, स्वाद नहीं आता, कि इंट्रोडक्शन पहले लेना ही पड़ता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्या पकाऊ चीज हमारा दिमाग खराब करने वाली है। तो एक बात आपके दिमाग में पहले क्लियर कट बिठा लो भाई, कि जब से ये मॉडर्न एरा है हमारा, हर चीज ऑटोमेटिक चाहिए। इंसान को खुद तो काम करना नहीं है, मशीनों के ऊपर से काम करना है, फिर बोलते जॉब नहीं मिली। अरे खुद ही तो ऑटोमेशन लाए। तो वो जो ऑटोमेशन है वो आज की किसी भी डेवलपिंग इंडस्ट्री का मेजर फोकस है, क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इंसान को सैलरी नहीं देनी पड़ती है। और दूसरी बात, जो ऑटोमेशन रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, उसका एक कॉमन नाम है यानी इंडस्ट्रीज 4.0, यानी किसी देश में पूरी तरह जो भी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो सब फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो वैसी इंडस्ट्रीज को हम इंडस्ट्रीज 4.0 बोलते हैं। तो इंडिया में तो अभी इसको रोक के रखा गया, क्योंकि भाई पता है पहले निठल्ले लोग इतने पड़े हुए हैं अनएम्प्लॉयड के नाम पे, 4.0 आ गया तो बाद में तो पता नहीं मर जाएंगे सब। तो ये जो इंडस्ट्रीज 4.0 का कॉन्सेप्ट है, जिन देशों में लागू हो चुका है वहाँ के लोगों को ये सब्जेक्ट पूरा दिमाग में अच्छे से घुसेड़ के बैठा हुआ है कि भाई कंट्रोल इंजीनियरिंग कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वगैरह वगैरह फालतू टॉपिक। तो चलो अब बात करते हैं कि कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर हम जिसकी स्टडी करने वाले हैं वो होते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम है किस बला का नाम, वो समझ लेते हैं। तो हमने कुछ कंपोनेंट्स को इस तरह से कॉन्फ़िगर करके इंटरकनेक्शन दिया है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को वो मेंटेन करके रखते हैं, और हमें जिस रिक्वायरमेंट पे उसे रखना है उस रिक्वायरमेंट पे उन्हें रखते हैं या फिर उससे मैच करके रखते हैं। तो ऐसे सिस्टम या फिर ऐसे इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं भैया। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल, कोई 7th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा कि पंखा घूम रहा है आपके सिर के ऊपर या एसी चल रही है, तो उसका आप एसी के रिमोट से या पंखे के रेगुलेटर से जो आप चेंज करते हो वो एक तरह से कंट्रोल हो गया। अगर वही प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती, जैसे कि आपकी एसी के रिमोट में आपने एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया ऑटो मोड पे, तो वो ऑटोमेटिक अपनी स्पीड कम ज़्यादा करती लेकिन उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो वो एक एग्जांपल हो गया भाई हमारे कंट्रोल सिस्टम का। अब दूसरा बहुत ही बेसिक एग्जांपल है भाई, कि गाड़ी की पेट्रोल की टंकी में या फिर घर पे ही किसी ने ऑटोमेटिक वाटर स्टोरेज टैंक लगाया हो, तो पानी के लेवल के हिसाब से ये भाई अपना लेवल ऊपर कर लेते हैं और इस वॉल को दबा देते हैं, तो पानी का इनफ्लो बंद हो जाता है। तो ये भी एक ऑटोमेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल है। तो चलो अब इसके आगे थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। लो आगे जाने की बात की नहीं, ये नमूना फिर से आगे दिमाग खराब करने, देखते अब क्या पागल आया है ये एक सवाल लेके। सर सर सर, मैं अलविन बोल रहा हूँ। सर तो ऐसे तो मशीन के अंदर कितने सारे पार्ट आते हैं, हम एक एक को कैसे समझेंगे कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, या फिर कोई भी कंट्रोल सिस्टम में कितने सारे कंपोनेंट होंगे, तो इन सब कंपोनेंट को कुछ ग्रुप पारे हो या कुछ नाम दिया हो जिसे समझने में इजी हो, ऐसा कुछ हो तो बताओ ना सर, कि इनके कंपोनेंट या नाम कुछ ऐसा काम लगे, पढ़ने में रखने में इजी हो जाए हमें। अरे आइंस्टाइन की औलाद, कसम खा के आए हो क्या कि शांति बुलाती है मगर जाने का नहीं, शांति से बैठना नहीं आता? अरे मैंने अभी तो बोला कि अगला टॉपिक करा रहा हूँ, पहले देख तो लेते क्या टॉपिक करा रहा हूँ, जैसा फालतू सवाल पूछ लिया। अरे करा रहा हूँ ना, शांति से बैठना नहीं आता।
तो चलिए भैया, एल्विन ने जो सवाल पूछा उसका बहुत ही सिंपल है कि आपको अगर कंट्रोल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को समझना है तो दो चीज़ें दिमाग में घुसेड़नी पड़ेगी। पहली उसका ब्लॉक डायग्राम, दूसरा उसके टर्मिनोलॉजीज, और फिर आपके लिए सब सिंपल, दाएं हाथ का बाएं हाथ का जो हाथ आप यूज़ करते हो उसका खेल हो जाएगा। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम की कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसके पार्ट। तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि उसका ब्लॉक डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो एक बेसिक कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंट्रोलर है जो किसी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, और ये प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए हमने कंट्रोलर को कुछ इनपुट दे दिया और फिर फाइनली कुछ आउटपुट मिला। लेकिन ये आउटपुट हमें जैसा चाहिए था वैसा है या नहीं, उसके लिए हमने कुछ सेंसर बिठा के रखा है जो हमें फीडबैक भेजता है और कंट्रोलर उसे वापस कंट्रोल करके सेट करता है। तो ये है हमारा एक बेसिक डायग्राम ऑफ किस एनी कंट्रोलर सिस्टम। कोई भी दुनिया का कंट्रोलर सिस्टम ले लो भाई, ये पार्ट तो होंगे, भले एक्स्ट्रा पार्ट होंगे पर कम से कम इतने पार्ट तो होने ही चाहिए कि भाई इनपुट कंट्रोलर या फिर कंट्रोलिंग एक्शन प्रोसेस और उसका ऑब्टेन आउटपुट। अब फीडबैक जो है भैया वो एक थर्ड पति पत्नी और वो जैसा तीसरा कैरेक्टर है, जो जरूरी नहीं कि हर बार आए। हर लव स्टोरी में कोई तीसरी पत्नी हो जरूरी नहीं है, तो हर कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक हो ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि आप आगे देखोगे कि जिस तरह से कपल दो टाइप के होते हैं, एक अफेयर वाले और एक सादे, उसी तरह से कंट्रोल सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक में फीडबैक आता है और जिसमें अफेयर नहीं होता है, यानी सॉरी जिसमें फीडबैक नहीं होता है। तो फिलहाल तो हम टर्मिनोलॉजीज में पूरा डिटेल में घुस लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भैया इनपुट की। तो इनपुट जो है कुछ भी डेटा, कुछ भी सिग्नल आप घुसेड़ते जो हो आपके कंट्रोलर के अंदर, कि जिससे आप कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट आपको मिलता हो या फिर किसी क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता हो किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से, तो भैया वही है आपका इनपुट। जैसे कि पंखे की स्पीड बढ़ानी है तो उसके रेगुलेटर को आपने कम ज़्यादा किया, वो आपने वहाँ पे इनपुट दिया। क्योंकि रेगुलेटर के अंदर जो रेजिस्टर होता है उस रेजिस्टेंस को वेराई करने से करंट की सप्लाई चेंज हुई और उसके हिसाब से आपके पंखे की स्पीड बदलेगी। दूसरा है भाई कंट्रोलर। इसके तो नाम में ही काम छुपा है भाई। तो सबसे बेसिक एग्जांपल कंट्रोलर का जो है ना, आपके टीचर प्रोफेसर जो क्लास में आपको बिल्कुल इतनी सी भी आवाज नहीं निकालने देते, वही है। कैसे? आपके कॉलेज में भी एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा हाथ माना जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स का होता है। तो टीचर जो है वो सिखाते भी है, और अगर आप कुछ करना चाहें क्लास में सीखने के अलावा तो वो उसे कंट्रोल भी करते हैं, उसे रेगुलेट भी करते हैं। तो ये एक तरह का कंट्रोलिंग एक्शन हुआ। तो उसी तरह से किसी भी प्रोसेस में इनपुट और उसके फीडबैक डेटा के हिसाब से अगर आप उस प्रोसेस को कंट्रोल या रेगुलेट करते हो तो ये काम है भैया कंट्रोलर का। तो इसका दूसरा एग्जांपल है कि अपनी इलेक्ट्रिक मोटर जो पंप के साथ लगाई होती है। अब ये मत कहना कि पंप और मोटर एक ही होते, दोनों अलग कंपोनेंट है। तो जो मोटर है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, उस स्पीड पे ही वो रन होनी चाहिए चाहे फिर लोड बढ़े या कम हो। तो ये काम देखना है भाई कंट्रोलर का कि चाहे लोड बढ़ जाए या घट जाए, स्पीड उसकी भैया मेंटेन करके रखनी है इसे। और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो भैया एक नंबर का फालतू कंट्रोलर है, उसे डिजाइन करने वाला इंजीनियर भी फालतू है। अच्छा कंपनी का अच्छे इंजीनियर वाला कंट्रोलर लाओ भाई। और लास्ट है भैया आउटपुट, यानी मेन कंपोनेंट्स में से लास्ट। अभी तो पूरी टर्मिनोलॉजी बाकी है, ये तो सिर्फ कंपोनेंट है। तो आउटपुट क्या है? तो ये हमारा मेन इंटरेस्ट की चीज है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आपके प्रोसेस में कंट्रोलिंग एक्शन करने के बाद जो आपको बाहर मिलेगा या फिर जो उसका रिजल्ट होगा वो आपका आउटपुट है। अब ये हमें तभी मिलता है जब कोई इनपुट आप देते हो, कंट्रोलिंग एक्शन होता है, प्रोसेस कंट्रोल होता है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट फिर एक्चुअल होगा या डिजायर्ड होगा, दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात की बात है। और एक बात बहुत क्लियर बता देता हूँ, अभी तक किसी ने सवाल पूछा नहीं लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो फिर से दिमाग खराब करने कोई ना कोई लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब करने फोन मार ही देगा, इसलिए पहले बोलता हूँ। तो भाई सिस्टम करके भी एक कुछ होता है वर्ड, जिसका मतलब सबको पता ही है लेकिन फिर भी कुछ नमूने
बीच में डिस्टर्ब कर ही देते हैं ऐसे फालतू सवाल पूछने के लिए, इसे पहले समझा देता हूँ कि सिस्टम यानी आप किसी भी पर्टिकुलर मशीन को, उसके कंपोनेंट की असेंबली को, या फिर किसी भी मैकेनिज्म को जिसे आप कंट्रोल करोगे, या फिर किसी प्रोसेस को जिसे आप कंट्रोल करोगे या स्टडी करोगे, उसको सिलेक्ट करके स्टडी करते हो, तो वो सिलेक्टेड कंपोनेंट, प्रोसेस, मशीन वगैरह जो भी है भाई, वो आपका सिस्टम हो गया। और उसे कंट्रोल करने वाली एंटिटी का जो मैकेनिज्म है, वो आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया। और कंबाइंड ये पूरा सिस्टम का ही पार्ट होता है, एक कंट्रोल सिस्टम अलग से छोटा सा। तो अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो बहुत बेसिक है, किसी 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आती होगी, लेकिन क्या करें, इंजीनियर है, डिटेल में घुसे बिना स्वाद नहीं आता। तो चलो देखते हैं पहला टर्म, वो है भैया कंट्रोल वेरिएबल। अब वेरिएबल हम सब जानते हैं, मैथ्स में बड़ा वेरिएबल आता है, एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई वाई, जो भी हो। तो ये वेरिएबल क्या है, यानी कोई चीज़ वेराई हो रही है, और कंट्रोल यानी आपको उसे कंट्रोल करना है। तो उसी के ऊपर से कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो और उसे कंट्रोल कर रहे हो, उसके अंदर जो वेरिएशन आ रहा है उसे कंट्रोल कर रहे हो, तो वो आपका कंट्रोल वेरिएबल है। जैसे कि किसी बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर, वो क्वांटिटीज है टेम्परेचर प्रेशर, और आप उस क्वांटिटी को कंट्रोल में रख रहे हो। सेकेंड है भैया फीडबैक। अब ये वो वही टर्म है जो अफेयर वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें ही आता है, जिसमें अफेयर चलता है, यानी जो एक्स्ट्रा कैटेगरी ऑफ कंट्रोल सिस्टम है अफेयर वाली, उसमें आता है ये। तो क्या है ये फीडबैक, आपने कई बार सुना होगा कि सेमिनार में, कि हमारे सेमिनार का फीडबैक दो, कैसा मज़ा आया, कैसा लगा वो बताओ। तो ये उसके जैसा थोड़ा सा सिमिलर आप मान सकते हो कि आपने इनपुट देने के बाद जो आपको आउटपुट मिला है, अगर वो आपके डिजायर्ड आउटपुट से अलग है, तो जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसमें और डिजायर्ड आउटपुट में कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लो कि मुझे प्रेशर बढ़ाना था 6 बार तक, लेकिन मेरे कंट्रोलर में कुछ भूल आई, कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर ने कुछ डिस्टर्बेंस दे दी, और वो 5 बार तक ही बढ़ा, तो यहाँ पर मुझे 1 बार का डिफरेंस मिलेगा। ये डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल सेंसर सेंस करके फीडबैक के फॉर्म में भेजेगा, तो ये फीडबैक आगे कंट्रोलर में जाएगा और उसे वापस बोलेगा, नहीं भाई तूने जो 6 बार बोला था उसका 5 ही बार आया, 1 बार और भेज। बाद में दूसरा कि फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी, यानी इस तीसरी बीवी, सॉरी दूसरी बीवी, तीसरी तो अभी आई नहीं है, तो ये अफेयर वाले टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस था। जैसे कि नॉर्मल कपल के बीच में जब झगड़ा होता है तभी कोई तीसरी आती है, राइट? तो यहाँ पर हमारे नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम में कुछ बाहरी डिस्टरबेंस आया जिससे कि झगड़ा जैसा होने लगे, तो उसकी वजह से हमें फीडबैक की ज़रूरत पड़ी। तो ये डिस्टरबेंस क्या है, कोई भी ऐसी एंटिटी कि जिसकी वजह से हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला, तो वो हमारा डिस्टरबेंस है। जैसे कि टेम्परेचर अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रेशर भी कुछ गेम खेल रहा है हमारे साथ, प्रेशर बढ़ने से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है कंट्रोल क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर, तो वो एक तरह का डिस्टरबेंस हो गया। तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं दे रही सिस्टम के, तो वो एंटिटी जो उसे अफेक्ट कर रही है वो आपका डिस्टरबेंस हो गया। अब नेक्स्ट है भैया प्लांट। प्लांट यानी घास फूस पौधे वाले प्लांट नहीं, ना तो पावर प्लांट। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, तब किसी भी सिस्टम के अंदर के जो आप कोई एक सेट ऑफ मशीन पार्ट्स ले रहे हो, या फिर कोई इक्विपमेंट ले रहे हो, कोई भी मशीन पार्ट या असेंबली ऑफ मशीन्स, या फिर कोई इक्विपमेंट जिनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो आपके प्लांट कहलाते हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर। इसे और क्लियर करने के लिए अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि सिस्टम और प्लांट में क्या फ़र्क हो, क्योंकि सिस्टम भी ग्रुप ऑफ असेंबली ऑफ मशीन्स है और प्लांट भी कुछ वैसा ही है। तो इसमें एक बात आपको क्लियर रखनी है कि प्लांट्स के कॉम्बिनेशन से आपको सिस्टम मिल रहा है। प्लांट कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहा है, लेकिन सिस्टम
इन सारे प्लांट्स को कंबाइन करके, उन सारे प्रोसेसेस को, उनके डिजायर्ड ऑपरेशन को कंबाइन करके एक फाइनल ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर कर रहा है। जैसे कि अभी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा हमें पता है, उसके अंदर दो तीन प्लांट होते हैं, एक डाइंग प्लांट, एक यार्न प्लांट। तो उसमें पहले तो ऊन बना लिया, उसको कलर कर लिया और फाइनल उसकी पैकिंग कर दी। तो इस तरह से तीन प्लांट से जाएगी। लेकिन ये पूरा क्या है? टेक्सटाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो उस तरह से कंट्रोल इंजीनियरिंग में भी सिस्टम के अंदर प्लांट है और प्लांट एक एक मशीन है। और इस तरह से इन सारे का, जो भी आप बोल दो यार, कचरा चिवड़ा मिक्स, इन सब का मिक्स आउटकम वो आपका सिस्टम है। और लास्ट बट नॉट फालतू, वो है भाई प्रोसेस। अब प्रोसेस और कंट्रोल वेरिएबल भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोसेस को ही तो कंट्रोल कर रहे थे, वो कंट्रोल वेरिएबल नहीं है? नहीं, प्रोसेस यानी आप कोई भी केमिकल, इकोनॉमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कर सकते हो। जैसे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेकिंग ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, ये सब प्रोसेस है। लेकिन इन प्रोसेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या फिर केमिकल कंपोजिशन हो गया। ये पैरामीटर्स को आप कंट्रोल करते हो, ना कि उस प्रोसेस को डायरेक्टली। यानी अगर आपने इन शॉर्ट इन पैरामीटर्स को कंट्रोल कर लिया तो आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो पैरामीटर्स है वो कंट्रोल वेरिएबल है, और ऑल द थ्रू ये जो प्रोसेस है वो यही आपका प्रोसेस है, चाहे केमिकल हो या इकोनॉमिकल हो। यानी जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, वो भैया प्रोसेस के नाम से आएगी। अब आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स की तरह इतना जालिम तो मैं नहीं हूँ कि एक ही लेक्चर में आपको इतना ओवरडोज दे दूँ कि अगली बार कंट्रोल का नाम सुनने से आप लोग डरो। तो आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही, और फिर से अगर इस ज्ञान की गंगा में हाथ धोने का इरादा हो जाए तो उस लाल बटन पर हवस निकाल के आ जाना। और ये पूरी पीपीटी, यानी जो आगे भी हम यूज़ करने वाले, उसका कंबाइंड अगर आपको फिर से पढ़ने की कीड़ा अगर आपके मन में जाग जाए, तो उस कीड़े को वापस बिठाने के लिए पीपीटी डाउनलोड कर लेना एडिटेबल फॉर्मेट में।